Good morning, all of you students. I am Anita Kumar, your computer teacher from CMJ Institute of Education, Pankat Motihari. Today I am going to teach remaining part of chapter 3 from class 5, file and folder. बच्चों मैं आज आप लोगों को file and folder के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ. File and folder are very important components of operating system as they help you to organize your information properly in the computer. File and folder operating system के महत्वपूर्ण भाग हैं, तब वे आपको computer में सूचनाओं को अच्छी तरह से संगठित करने में सहायता करते हैं. File, a file is a collection of related information. फाइल सूचनाओं का एक समूह है. It is stored as a separate unit with a unique name. यह अलग नाम से जमा होता है. इट इज़ जस्ट लाइक यू मेक सेपरेट नोटबुक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन स्कूल. सिमिलरली इन द इन कंप्यूटर व्हेन यू राइट सम इंफॉर्मेशन यू हैव द इंफॉर्मेशन बाय गिविंग इट ए नेम. उसी तरह कंप्यूटर में या आपके स्कूल में अलग अलग विषय के नोटबुक्स की तरह है. उसी तरह कंप्यूटर में जब आप कुछ सूचना लिखते हैं, आप सूचना नाम के द्वारा सेव करते हैं, यह नाम फाइल कहलाता है. दिस नेम इज कॉल्ड फाइल विच हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन दैट फाइल. यह नाम क्या कहलाता है? फाइल कहलाता है. जो आपके फाइल में सूचनाओं को चिन्हित यानी आइडेंटिफाई यानी पहचान करने में सहायता करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज फोल्डर. ए फोल्डर इज जस्ट लाइक ए ड्रॉअर और कपबोर्ड विच इज यूज टू कीप द फाइल्स इन इट. फोल्डर ड्रॉअर या कपबोर्ड के जैसा है जिसका उपयोग इसमें फाइल्स रखने के लिए किया जाता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्डर यहाँ पर दिखाया गया है. समटाइम्स यू यूज डिफरेंट ड्रॉअर्स टू कीप फाइल्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट. कभी कभी आप विभिन्न प्रकार के ड्रॉअर्स का उपयोग विभिन्न विषयों के लिए करते हैं. सिमिलरली इन द कंप्यूटर यू कैन क्रिएट डिफरेंट फोल्डर्स वेयर यू कीप different types of files saved by you. इसी प्रकार कंप्यूटर में आप विभिन्न प्रकार के फोल्डर्स की रचना कर सकते हैं जहां आपके द्वारा सेव किए गए विभिन्न प्रकार के फाइल्स रखा जा सकता है. ए फोल्डर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन इट्स कंटेंट्स. फोल्डर विभिन्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है. You can also create subfolders in a folder. आप फोल्डर में subfolder की भी रचना कर सकते हैं. To create a folder, यानी folder की रचना हम लोग कैसे करेंगे. To create a new folder on the desktop. Desktop पर नया folder का निर्माण यानी रचना कैसे करते हैं. Click the right mouse button, keeping the mouse pointer anywhere in the empty area on the desktop. Right mouse button पर क्लिक करते हैं. डेस्कटॉप पर खाली क्षेत्र में माउस पॉइंटर को कहीं भी रखते हैं. A shortcut menu will appear. एक shortcut menu सामने आता है. ऐसा menu सामने आएगा. न्यू ऑप्शन इन इट एंड क्लिक ऑन द फोल्डर ऑप्शन इन द सब मेनू. इसमें न्यू ऑप्शन पर पॉइंट करते हैं और सब मेनू में फोल्डर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं. डेस्कटॉप पर एक नया ए न्यू फोल्डर आइकॉन विल अपीयर ऑन द डेस्कटॉप.
डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर शामिल हो जाएगा। गिव ए नेम टू योर न्यू फोल्डर बाय टाइपिंग इट फ्रॉम द कीबोर्ड एंड प्रेस इंटर की। कीबोर्ड से टाइपिंग द्वारा फोल्डर पर नया नाम देते हैं और इंटर की को दबा देते हैं। इस तरह आप लोग के एक फोल्डर खुल बन जाएगा यहाँ पर अलग से आपके नाम का फोल्डर। जिस नाम से आप फोल्डर बनाइएगा वो नाम आपको डेस्कटॉप पर शो करने लगेगा। टू ओपन ए फोल्डर, यानी फोल्डर को कैसे खोलते हैं। टू ओपन ए फोल्डर यूजर कैन डू एनी ऑफ द फ्लोइंग। फोल्डर खोलने के लिए उपयोगकर्ता निम्नलिखित कारणों का अनुसरण कर सकता है। कीप द माउस पॉइंटर ऑन द फोल्डर आइकॉन एंड डबल क्लिक द लेफ्ट माउस बटन। फोल्डर आइकॉन पर माउस पॉइंटर रखते हैं और लेफ्ट माउस बटन से डबल क्लिक करते हैं, या कीप द पॉइंटर ऑन द फोल्डर आइकॉन एंड प्रेस द राइट माउस बटन। फोल्डर आइकॉन पर पॉइंटर रखते हैं और राइट माउस बटन क्लिक करते हैं। सिलेक्ट ओपन ऑप्शन इन द शॉर्टकट मेनू। शॉर्टकट मेनू में ओपन ऑप्शन क्लिक करते हैं। यहाँ से आप लोग शॉर्टकट मेनू में ओपन माउस को ओपन ऑप्शन को क्लिक कर दीजिएगा। सिलेक्ट द फोल्डर आइकॉन बाय क्लिकिंग वंस ऑन इट एंड प्रेस इंटर की ऑन द कीबोर्ड। एक बार क्लिक द्वारा फोल्डर आइकॉन सिलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड पर इंटर की दबाते हैं। योर फोल्डर विल ओपन इन ए न्यू विंडो ऑन द स्क्रीन। आपका फोल्डर स्क्रीन पर नया विंडो के रूप में खुलता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज विंडो एक्सप्लोरर। इट इज़ अ प्रोग्राम इन विंडोज विच हेल्प द यूजर टू मैनेज द फाइल्स एंड फोल्डर इन ए कंप्यूटर। यह विंडोज़ में एक प्रोग्राम है जो फाइल तथा फोल्डरों को प्रबंध कराने में सहायता करता है। टू स्टार्ट विंडो एक्सप्लोरर, विंडो एक्सप्लोरर को कैसे शुरू करते हैं। क्लिक स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद मूव टू ऑल प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम्स में जाते हैं। सिलेक्ट एसेसरीज, एसेसरीज में सिलेक्ट करते हैं। क्लिक विंडोज एक्सप्लोरर ऑप्शन इन इट और इसमें विंडो एक्सप्लोरर पर क्लिक करते हैं, या क्लिक ऑन विंडोज एक्सप्लोरर बटन ऑन द टास्क बार टू ओपन विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर बटन जो टास्क बार में रहता है उस पर क्लिक करते हैं। विंडो एक्सप्लोरर विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। विंडो एक्सप्लोरर स्क्रीन पर शामिल हो जाता है। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू अबाउट विंडो एक्सप्लोरर। थैंक्स।